हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी सी न्यूज़ देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों जो जेएमआर है उसकी एक नई अपडेट निकल करके सामने आई है। यानी कि दोस्तों जो जेएमआर है उसने रिजल्ट से जुड़ी हुई जितनी भी सूचना है वो जो है अपनी साइट पर अपलोड कर दी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि जो जेएमआर है उसने क्या अपडेट दिया है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, जो जेएमआर है वो यहाँ पर सर्च कर लेंगे, यानी कि जो गूगल क्रोम है या आप कोई सा भी सर्च इंजन अगर इस्तेमाल करते हो तो उसमें जेएमआर की जो ऑफिशियल साइट है वो हमें ओपन करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो है जेएमआर की ऑफिशियल साइट है वो सर्च कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारे सामने जो जेएमआर की साइट है वो सर्च हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जेएमआर की कई सारी जो साइट है वो हमारे सामने आ रही है, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये जो साइट दिख रही है इसे क्या करना है, ओपन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस साइट को आपको ओपन करना है, तो इसे हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों जो जेएमआरसी की ऑफिशियल साइट है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जेएमआरसी की ऑफिशियल साइट को नीचे स्क्रॉल करना है, क्योंकि दोस्तों जब इस साइट को हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जेएमआरसी की जो रिजल्ट से जुड़ी हुई नई अपडेट है वो हमारे सामने आ जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एक जो नया सेक्शन आ रहा है रिजल्ट का, यानी कि दोस्तों इससे पहले ये जो नया सेक्शन है यहाँ पे रिजल्ट का वो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो जेएमआरसी है उसने ये जो नया सेक्शन है इसमें दे दिया है। तो दोस्तों इस पर हमें क्या करना है, इसे क्लिक करना है और इसे ओपन करना है। तो दोस्तों इस रिजल्ट के ऑप्शन को हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने रिजल्ट का जो ऑप्शन है वो ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह से जो है इसका नया अपडेट सामने निकल करके आ जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जेएमआरसी है उसने रिजल्ट का एक नया ऑप्शन दिया था, जिसमें दोस्तों यहाँ पे कई सारे जो रिजल्ट है उनके नाम आ रहे हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन से जो रिजल्ट है वो अभी आ चुके हैं और कौन से बाकी हैं, तो दोस्तों जब आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें जो जेएमआरसी है उसने जैसे स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन दोस्तों हाल ही में जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट है वो भी जेएमआरसी ने जारी कर दिया है। और दोस्तों साथ में इसकी जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की है वो भी जेएमआरसी ने यहाँ पे जो है अपलोड कर दी है। इसके अलावा दोस्तों जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेंटेनर फिटर है, फिर मेंटेनर फिटर है और मेंटेनर रेफ्रिजरेशन एंड एसी, यानी कि दोस्तों इनका जो रिजल्ट है वो अभी तक जो जेएमआरसी है उसने अपलोड नहीं किया है, लेकिन दोस्तों इनका जो है जेएमआरसी ने यहाँ पे जो है नाम दे दिया है। तो इसका मतलब जो जेएमआरसी है वो जो इनका जो रिजल्ट है वो जल्दी जारी करने वाली है। तो दोस्तों आप ये जो ऑफिशियल साइट है वो समय समय पर विजिट करते रहे और दोस्तों इनका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जेएमआरसी है उसने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के रिजल्ट के साथ में उसकी जो फाइनल आंसर की है वो भी यहाँ पर दे दी है। तो दोस्तों जेएमआरसी की इस ऑफिशियल अपडेट से ये तो पता चलता है कि जो जेएमआरसी है वो जल्दी इनका जो रिजल्ट है वो जारी करने वाली है, और दोस्तों रिजल्ट के साथ में जो जेएमआरसी है इनकी जो फाइनल आंसर की है वो भी जारी करने वाली है। तो दोस्तों आप जेएमआरसी की ऑफिशियल साइट पर जाकर के ये जो नया अपडेट आ रहा है रिजल्ट का, इसमें जाकर के ये जो नया अपडेट है वो चेक कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो ऑफिशियल आंसर की है वो मैं आपको अगले वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।